हाँ जी जूस वाले, हाँ जूस वाले भैया, ये देखिए ये जूस वाले भैया, हेलो कर दो भैया, हेलो कर दो। एक दिन में कितना निकाल लेते हैं आप जूस इससे? 10-12 हजार का कलेक्शन है। वैसे तोड़ना तो नहीं चाहिए पर देख लेते इसमें क्या क्या है। ये है कपास। जरूरी नहीं है कि मतलब पैसा हो शोहरत हो, बस दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि ना दोस्तों यहाँ पर मुझे बड़े बड़े से खुले खेत दिखाई दिए यहाँ पर, और यहाँ पर कपास की खेती की गई है। तो बस मैं आपको दिखाने के लिए ही, देखिए मेन सड़क पे हमने गाड़ी पार्क कर दी और वहाँ से सिर्फ और सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि इसकी खेती किस तरह से होती है, इसके लिए यहाँ पे जा रही हूँ नज़दीक से। देखते हैं यहाँ पे लग तो सुंदर सुंदर रहे थे, मेरे को दूर से लग रहा था कि वाइट वाइट है क्या, अब नज़दीक से जाके देखते हैं। ये देखिए, जस्ट वेट अ मिनट, आपको दिखाती हूँ मैं यहाँ पे। पहले देख लेती हूँ कहीं कीट पतंगे ना हो कुछ, पर चलो मेरा भी नुकसान हो गया। यस, ये है कपास। ये देखिए दोस्तों यहाँ पर ये इसका फ्रूट है इस तरह से। मुझे लगता है जब ये पक जाता है, पकने के बाद इस तरह से इसमें ये निकलता होगा रुई। एक तोड़ लेती हूँ मैं, वैसे तोड़ना तो नहीं चाहिए पर देख लेते इसमें क्या क्या है। ये है कपास, और यहाँ पर देखिए पूरे में ये कपास की खेती की गई है इस तरह से। यहाँ पे ये इसका प्लांट है, यहाँ से इस तरह से बहुत हार्डी प्लांट है इसका, और इसमें ये लगे हैं फ्रूट्स। ये फ्रूट्स, और फ्रूट्स को फ्रूट जब पक जाएगा तो ऐसे फट जाएगा, फटने के बाद उसमें से इस तरह से ये कपास निकलेगा। ये देखिए यहाँ पर भी सारे कपास होंगे, बस इनको इकट्ठा करके फिर ले जाया जाता है फैक्ट्रियों में। देखिए चलो जल्दी चलते हैं अब यहाँ से, बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत ही सॉफ्ट है ये, बहुत ही सॉफ्ट और स्मूथ, बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा। चलिए ये भी देख लिया आप लोगों ने आज मेरे यूट्यूब चैनल पे, एक्सप्लोर कर रहे हैं हम शिरडी और श्री सनी सिग्नापुर को। बस अब चलते हैं। करंट लग गया था मुझे, तो करंट लग गया था बता। लो बिल्कुल पकड़ो। Two hours later. ये जो यहाँ पर मेन सड़क है, जैसे मेन हाईवे है, मेन हाईवे के साथ ही यहाँ पर ऐसी बहुत सारी शॉप्स लगी हुई है जहाँ पर मतलब जो भी आ रहे होंगे, जिनको गर्मी लग रही होगी तो उन्हें फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस और साथ में यहाँ पर खीरे और साथ में यहाँ पर नारियल पानी भी है। तो हमने तो डिसाइड किया कि हम पियेंगे ये गन्ने का जूस। तो बस अब आगे चलते हैं, पीते हैं, देखते हैं किस तरह से निकालते हैं यहाँ पर गन्ने का जूस, फिर पियेंगे गन्ने का जूस। अभी हम आए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, बट यहाँ पर देखिए मुझे ये देखिए कुछ अच्छा सा लगा, क्योंकि हमारे उधर क्या होता है कि मशीनें होती है गन्ने का जूस निकालने के लिए, बट यहाँ पर क्या है कि बैल से निकाला जा रहा है गन्ने का जूस। तो जब कुछ बोल रहे हो, गन्ने का जूस इस तरह से निकाला जा रहा है यहाँ पर बैल की मदद से। देखिए निकल कहाँ रहा है, ओ भाई कहाँ डाल रहे भैया जूस, गन्ना कहाँ डाल, ये तो गन्ना ही खा रहा है। ओ भाई साइड हटो, साइड हटो भैया, आप भी हट जाओ, गन्ना खा गया। ये डाल रहे कहाँ है भैया? अच्छा यहाँ गन्ना जाएगा और हाँ, अच्छा यहाँ गन्ना डाला इन्होंने। ये पूरी लकड़ी की बनी है ये मशीन, और यहाँ से जूस भी निकल रहा। मैं थोड़ा पीछे हट जाती हूँ नहीं तो मेरा जूस निकल जाएगा। निकला फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस, ये हमारे गन्ने का जूस। ये आ गया हमारा फ्रेश फ्रेश गन्ने का जूस गिरता हुआ हाथों से। बहुत टेस्टी है गन्ने का जूस, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। और अभी मैं आपको यहाँ दिखाती हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पर छोटे छोटे झूले भी लगे हैं यहाँ पे साथ साथ में, ताकि झूला भी झूले। हाँ जी जूस वाले, हाँ जूस वाले भैया, ये देखिए ये जूस वाले भैया, हेलो कर दो भैया, हेलो कर दो। एक दिन में कितना निकाल लेते हैं आप जूस इससे? 10-12 हजार का कलेक्शन है। है? ओ भाई ये हुई ना बात, देखिए कितना अच्छा बोला भैया। बस साथ में बैल पर, मुझे डर लग रहा था भैया ये मारता नहीं है क्या, आप तो इसके बीच में भी घुस रहे थे। मतलब कुछ नहीं करता ये, क्योंकि ये अपने लोगों को पहचान लेता, अगर हम होंगे इसके बीच में तो ये तो हमारा ही जूस निकाल देगा। ये देखिए पूरा ऐसे देख रहा है हम सबको ध्यान से कि कौन कौन है जो मेरा गन्ने का जूस पी रहा है। ठीक है भैया, थैंक यू।
1 hour later. अब ये है हमारा लास्ट शिव मंदिर यहाँ शिरडी का। इसके बाद अब सीधे जाएंगे हम एयरपोर्ट। अब आपको होंगे एयरपोर्ट के दर्शन। तो बस चलिए चलते हैं, यहाँ पर दर्शन करते हैं भगवान जी के। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे शिरडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। ये देखिए यहाँ पे, बस अभी अंदर करते हैं अपना बोर्डिंग और डिपार्चर। ठीक है भैया, बाय बाय, थैंक यू। अच्छा लगा आपसे मिलके। हाँ ठीक, पक्का आएंगे, पक्का भैया। ठीक है, बाय बाय। अभी बस हम अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, हमें अपने बैगेज यहाँ पर देने हैं और हमें करना है चेक इन, क्योंकि चेक इन टाइम से हो गया, तो उसके बाद हम सेफली पहुँच जाएंगे। ओए गुत्थी गुत्थी, ओए ओ गुत्थी गुत्थी, ओए इन गुत्थी ने हमें बचा लिया, क्योंकि आज पूरा दिन ट्रैवलिंग में हम थक गए थे। और यहाँ पर देखिए, ये जो शिरडी एयरपोर्ट है, ये बहुत ही छोटा सा है, थोड़ा सा ही है, बस इतना सा ही एयरपोर्ट है यहाँ पे। और बैठने के लिए भी सीट्स कम ही है यहाँ पे, और बहुत कम लोग ही, बहुत ज़्यादा लोग तो खड़े भी हैं यहाँ पे। पर चलिए, हम टाइम से आगे, नहीं तो हमें यहाँ पर भी खड़े रहना पड़ता। ओए गुत्थी गुत्थी, ओए जस्ट फॉर दी फन। चलिए, हंसी मजाक भी होना चाहिए। बट यहाँ पर सच में हम वेट कर रहे हैं कब से, और यहाँ पर बहुत छोटा है ये एयरपोर्ट, और खाना बहुत महंगा है। और यहाँ पर भी पूरा टाइम पास कर रहा है अपना, रील्स देखते देखते, है ना। A few minutes later. ये बस तो फुल हो गई, अब ये बस जा रही है, अब हमारे लिए आएगी नेक्स्ट बस, हम जाएंगे नेक्स्ट बस में। हमारे लिए खाली बस आ गई, बस अब हम इसमें जाएंगे। यूहू, हो भीड़ बड़ा का, नहीं नहीं नहीं, हम चल पड़े। और हमेशा की तरह मम्मी ने इस बार ये सीट ली, मम्मी बोलते अब हम पीछे नहीं बैठेंगे, लास्ट सीट में। ओह बिपू, आप यहाँ बैठ जाओ पीछे। नहीं तो हमारी ये पेट सीट थी, जो लास्ट की 3 सीटें दिख रही आपको, इन सीट में बैठते थे हम, आज हमने थोड़ा चेंज कर लिया। ये देखिए दोस्तों, इन्होंने मेरे साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की, मेरी इस सीट के आगे ये झोला लटका दिया। फ्लाइट में सब बोलेंगे कि ये यहाँ भी झोला लेके आ गई। और खाने वाले कौन है, ये और ये, और नाम किसका, मेरा।
फाइनली हमारी लैंडिंग हो गई है। ये देखिए रात भी हो गई अभी बहुत ज्यादा, और ये उतर गए यहाँ पे। बहुत सुंदर लग रहा है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा सुंदर। ये देखिए लाइटिंग लाइटिंग लाइटिंग। अब यहाँ सामने खड़ी है हमारी बस, और बस लेते हैं फिर चलते हैं बस स्टैंड। बाय बाय इंडिगो, बाय बाय। तो बस अभी हम हैं दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर यहाँ पे। बस अभी हम, हमारी टैक्सी भी आ गई यहाँ पीछे। बस अब जा रहे हैं हम कश्मीरी गेट। A few minutes later. ये देखिए दोस्तों अभी हम यहाँ पर रुके हैं, यहाँ पर कश्मीरी गेट पे हमारी बस आने वाली है। बट यहाँ पर ये देखिए एक चीज़ मैंने देखी, यहाँ देखिए एक होमलेस पर्सन है, और ये देखिए उसने अपने साथ डॉगी को किस तरह से सुलाया है। बोलते हैं ना ज़रूरी नहीं है कि मतलब पैसा हो शोहरत हो, बस दिल बड़ा होना चाहिए। यहाँ से पता चलता है कि इसका दिल कितना बड़ा है। ये देखिए और डॉग भी सच्चे दोस्त होते हैं ये सारे। ये देखिए इसके साथ प्रॉपर तरीके से सोया हुआ है, तो अच्छा लगा मुझे। तो मैंने सोचा इसको मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और आपको भी दिखा देती हूँ, बस दिल बड़ा होना चाहिए। 2000 years later. Finally, हमारी बस आ गई है यहाँ पर। ये देखिए सामने राम दलाल वोल्वो बस, कब से लेके वेट कर रहे थे। इसका जो डिपार्चर टाइम है यहाँ से है 9:20, तो 9:00 हो गए हैं। और पर यहाँ इतना ज़्यादा ट्रैफिक है ना, खुद पता नहीं लग रहा है कि कौन से कहाँ जा रहे हैं। बस ये येलो कलर की बस है हमारी, राम दलाल। मैं कब फिक्स को राम दलाल बोल रही थी, राम दलाल, राम का लाल, राम दलाल है। बस ये कहाँ जा रही है मैं, ओ भाई रुक जा। बस हमारी बस आ गई है यहाँ पे। अब बस हम बैठ जाते हैं और अपना सफर शुरू करते हैं।